चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि और कार्ड्स निकल रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। तो लिब्रंस के लिए ये साल आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, पैसों को लेकर किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपकी राशि कहती है, हर चीज़ बैलेंस रहेगी। रिश्तेदारों और दोस्तों से मदद मिल सकती है, बैंक बैलेंस इस साल बढ़ने वाला है और कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। मार्च के बाद आपके काम करने में तेज़ी आ जाएगी, एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे रहेंगे, आपको काम करने में सफलता भी मिलेगी। सेल्स और मार्केटिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं लोगों के लिए तरक्की का समय है। रिलेशनशिप पार्ट में थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं आफ्टर द मंथ ऑफ अप्रैल, लेकिन अप्रैल के बाद जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहेंगी, हालांकि चीज़ें रिजॉल्व आउट हो जाएंगी। कोशिश करनी है आप इस समय में अपने मन की बात को ज़रूर कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आप अपनी मन की बातों को अंदर ही रख लेते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियोज की और वृश्चिक राशि। फोर ऑफ पेंटाकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस कार्ड निकल रहा है। बिजनेस के लिए अच्छा समय है स्कॉर्पियोज के लिए, आपको कोई नया काम मिल सकता है इस हफ्ते में। बिजनेस से खूब पैसा कमाने का मौका मिलेगा और उसे आप अच्छी तरह से संभाल भी पाएंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन आप किसी बॉन्ड या बाकी जगहों पर निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करनी है 2019 में टिल द मंथ ऑफ सितंबर आप लोग इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स उतनी ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहने वाली हैं। इन केस आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन किसी बॉन्ड या किसी बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा आपके लिए। रिलेशनशिप पार्ट इस समय में अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे क्वारल्स और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली स्थिति दिख रही है दाम्पत्य जीवन में। तो वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं थोड़ा संभल करके चलें इस अवधि में, किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद बड़ा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए जो मामले चल रहे हैं आप लोगों के लिए, उसे कोशिश कीजिए जल्द से जल्द आप लोग निपटा दीजिए, ज़्यादा चीज़ों को लंबा खींचना अच्छा नहीं है। चलिए बात करते हैं धनु राशि और कार्ड्स निकल रहे हैं फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ पेंटाकल्स। तो कुंडली के अशुभ ग्रहों की वजह से आपको वो नहीं मिल पा रहा है जिसकी आप चाहत रखते हैं। कुछ बड़ा हासिल करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ गलतियां कर लें। धनु राशि वालों को काफ़ी हद तक सावधान रहना है, आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप रातों रात कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए छोटे छोटे प्रयास करके आप चीज़ों में आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और जैसे मैंने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों पर वन स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है। इसके लिए धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों के लिए काम अच्छा करेंगे आप लोग। बैंकिंग फाइनेंस से जुड़े जो लोग हैं उनको भी फायदा जरूर होगा। आफ्टर मार्च कोई ना कोई चेंज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। और खास तौर पे आपके लिए जो आपकी एट प्रेजेंट जो जगह है, यानी कि जगह बदलने के प्रस्ताव या ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। रिलेशनशिप पार्ट में हालांकि बदलाव हो रहे हैं, बदलाव एज इन कि आपके जीवन में जो आपने सोचा हुआ था वो प्लानिंग्स को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप किसी को कोई ऑफर्स देने के बारे में सोच रहे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे थे, तो हालांकि उस अपनी सोची हुई बातों को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। और ये अवधि तकरीबन रहेगी आपकी टिल द मंथ ऑफ मे के बाद अपने विचारों को, अपनी सोच को आप सामने रख पाएंगे।